व्हाट्स अप गाइस, कैसा आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं गूगल के सिस्टम अपडेट के बारे में। यहां पर फाइनली गूगल की तरफ से एक और नया अपडेट है ना, वो यहां पर रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है सभी शाओमी रेडमी एंड पोको के डिवाइस के लिए। अपडेट है वो आप लोगों को यहाँ पर कैसे इंस्टॉल करना है, इसके अंदर आप लोगों को चेंजेस है वो यहाँ पर कौन कौन से देखने को मिलते हैं और कैसे आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हो, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट आप लोगों से बात करने वाला हूं। अगर आप लोग एक पोको का या फिर रेडमी का डिवाइस है ना वो यहाँ पर यूज करते हो वीडियो को पूरा देखना। और वीडियो अगर आप लोगों को ये पसंद आ रही है, वीडियो को अभी तक यहाँ पर लाइक नहीं किया है आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 200 लाइक का, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा आप लोगों को वीडियो है ना वो सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी। अब गाइज ये जो अपडेट है ना वो यहाँ पर Xiaomi की तरफ से देखने को नहीं मिलता है, गूगल की तरफ से जो अपडेट है ना वो यहाँ पर रिलीज किया गया है। वो आप लोगों को कैसे यहाँ पर फाइंड करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को सेटिंग एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों को थर्ड नंबर का ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी स्टेटस, तो इस पे आप लोगों को प्रेस कर देना है। अब आप लोग देख सकते हो फोर्थ वाला जो ऑप्शन आपको मिलता है ना गूगल प्ले सिस्टम अपडेट, तो इस पे आप लोगों को प्रेस कर देना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मुझे अपडेट है ना वो रिसीव हो चुका है, और अपडेट की जो टोटल साइज है ना वो यहाँ पर 7.4 KB की यहाँ पर देखने को मिलती है। काफी कम आप लोगों को अपडेट की जो साइज है ना वो यहाँ पर मिलती है, तो इसको आप लोगों को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। अब इसको पहले आप लोग डाउनलोड करोगे डाउनलोड में तो 1 सेकंड का भी समय यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि काफी छोटी आप लोगों को साइज है ना वो यहाँ पर मिलती है। अब उसके बाद में आप लोग देख सकते हो हमारे डिवाइस के अंदर यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट है ना वो इंस्टॉल हो चुका है, और ये जो गूगल प्ले सिस्टम अपडेट है ना वो आपको 1 मार्च 2022 का यहाँ पर देखने को मिलता है, और चेक फॉर अपडेट है ना वो भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हो ताकि कोई नया अपडेट आएगा ना उसका आप लोग को यहाँ पर पता लग सके। तो आप लोग देख सकते हो एक और नया अपडेट है वो मेरे वाले के अंदर आ चुका है क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले इंस्टॉल नहीं किया था, और ये जो अपडेट है ना इस अपडेट की टोटल साइज है वो आप लोगों को 29 MB यहाँ पर देखने को मिलती है। ये है कुछ अपडेट की साइज, तो इसको आप लोगों को यहाँ पर डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर प्रेस कर देना है। 29 MB का जो अपडेट है ना वहाँ पर जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, तो पहले होने देते हैं इसको कंप्लीट। यहाँ पर गाइज आप लोग देख सकते हो अपडेट है ना वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को अपना फोन है ना इसको यहाँ पर एक बार रीस्टार्ट करना है, रिबूट कर लेना है। रिबूट करने के बाद में आपका जो डिवाइस है ना इसके अंदर सक्सेसफुली गूगल प्ले सिस्टम अपडेट है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, और कुछ यहाँ पर आप लोगों को जो एप्स देखने को मिलती है ना गूगल की उनके अंदर आप लोगों को एनिमेशन है वो थोड़ी यहाँ पर बेटर देखने को मिलेगी जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर गाइज आप लोग देख सकते हो हमारा डिवाइस है ना उसके अंदर सक्सेसफुली अपडेट है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब अपडेट तो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन अगर आप लोग पोको लॉन्चर 4.0 को यहाँ पर यूज कर रहे हो जैसे फोन को रिबूट करोगे आपका जो यहाँ पर डिफॉल्ट एप्स है ना वो उसी तरीके से यहाँ पर सेट हो जाएंगे, जो कि किसी को भी यहाँ पर पसंद नहीं है क्योंकि यहाँ पर वापस से सेट करने पड़ते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो डिवाइस है ना इसके अंदर 1 अप्रैल 2022 का लेटेस्ट से भी लेटेस्ट गूगल प्ले सिस्टम अपडेट है ना वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब इस अपडेट के अंदर सिंपली अगर आप लोग अपने डिवाइस के अंदर इसको इंस्टॉल कर लेते हो जितने भी आप लोगों को गूगल की एप्लीकेशन देखने को मिलती है इसके अंदर आप लोगों को फ्लुएंसी है वो थोड़ी यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी, एनिमेशन है वो अच्छी देखने को मिलेगी, और अंदर की जो इसकी स्पीड है ना वो भी आप लोगों को यहां पर अच्छी देखने को मिलेगी क्योंकि ये जो अपडेट है ना वहां पर गूगल की तरफ से रिलीज किया जाता है, Xiaomi की तरफ से नहीं आता है। सो गाइस आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में इतनी इन्फॉर्मेशन है ना वो यहां पर शेयर करनी थी। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।